बेबी का वेट गेन पेरेंट्स के लिए हमेशा ही बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। अगर बेबी का वेट ठीक से गेन हो रहा है तो ये उसकी ओवरऑल हेल्थ को भी दर्शाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे सुपर फूड्स की जो डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके बेबी को वेट गेन करने में। पूरी वीडियो को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले बात करेंगे एज ग्रुप 0 to 6 months की, फिर 6 to 9 months, फिर 10 to 12 months और फाइनली 1 year to 2 year बेबीज की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 0 to 6 months में बेबी अगर फॉर्मूला फीड या मदर मिल्क पर है तो वही कंटिन्यू रहना चाहिए। ये एक परफेक्ट फूड रहता है इस टाइम पर बेबीज के लिए और उनकी वेट गेन में हेल्प करता है। 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए आप ओट्स दे सकते हैं। ओट्स में सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस। साथ ही साथ इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है और आराम से बच्चा डाइजेस्ट कर लेता है। ओट्स को आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं जैसे खीर बनाकर, पॉरेज, पैनकेक्स या डोसा की फॉर्म। पोटैटोस तो सभी बच्चे लाइक करते ही हैं, साथ ही एक बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। पोटैटोस को आप किसी भी फॉर्म में जैसे वेजिटेबल की फॉर्म में, स्नैक की फॉर्म में या एज फिंगर फूड्स भी बच्चे को दे सकते हैं। स्वीट पोटैटोस में टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी है और ये एक बहुत अच्छा फूड है 6 months के बेबी के लिए। इसमें भरपूर मात्रा में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स हैं। स्वीट पोटैटो को आप बेबी को बॉइल्ड और मैश्ड फॉर्म में दे सकते हैं, प्यूरी बनाकर दे सकते हैं, खिचड़ी में डालकर दे सकते हैं या इसका पैनकेक्स या सूप बनाकर या हलवा बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। बनाना एक बहुत अच्छा सोर्स है नेचुरल एनर्जी का, जिसमें भरपूर मात्रा में कैलोरीज भी हैं जो बच्चे को वेट गेन में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। बनाना एक बहुत अच्छा ट्रैवल फूड भी है जो आराम से कहीं भी खाया जा सकता है। बनाना को आप प्यूरी की फॉर्म में, स्मूदी की फॉर्म में या मैश करके बच्चे को आराम से फीड करा सकते हैं। घी एक बहुत अच्छा सोर्स है वेट गेन का बेबीज में और अगर आप घी घर का बना हुआ देंगे तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। घी को आप जरूर बच्चे को सर्व कीजिए जो भी डिश आप उसको दे रहे हैं, जैसे कि चपाती पर लगाकर परांठा या आप जो भी प्यूरी या पॉरिज बना रहे हैं उसमें घी डालकर थोड़ा सा उसे जरूर दें। अगला सुपर फूड है रागी। रागी में कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में हैं और रागी इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है बेबीज से। रागी को आप पॉरेज की फॉर्म में, डोसा की फॉर्म में, इडलीज बनाकर, रोटी की तरह या लड्डू बनाकर, केक बनाकर, कुकीज बनाकर बच्चे को सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फूड है एवोकैडोस। एवोकैडोस में बहुत अच्छे से फैट्स और फाइबर रहता है और इसे बच्चों को आप 6 months से ही दे सकते हैं। एवोकैडो को आप मैश्ड फॉर्म में या प्यूरी बनाकर सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप शेक्स में, स्मूदीज में बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज पल्सेस। पल्सेस में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में रहते हैं और यूजुअली 6+ months पर बेबी को सबसे पहले दाल का पानी ही देने को कहा जाता है। दालों में आप मूंग दाल, उड़द दाल को सर्व कर सकते हैं जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और बहुत अच्छा सोर्स है सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स का। दाल को आप खिचड़ी की फॉर्म में, सूप बनाकर, चीला बनाकर या हलवा बनाकर बच्चे को सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फूड है दही, जो एक बहुत अच्छा सोर्स है फैट और न्यूट्रिशन का। ये बच्चे में वेट गेन के साथ साथ स्टमक प्रॉब्लम्स में भी हेल्पफुल रहता है। दही आप बच्चे को 7 to 8 months की एज से स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी फॉर्म में जैसे राइस के साथ, स्मूदीज की फॉर्म में बच्चे को सर्व कर सकते हैं या ऐसे ही स्नैक की फॉर्म में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट फूड है मैंगोज, जो कि डिलीशियस होने के साथ साथ बहुत न्यूट्रिशियस भी हैं। मैंगोज में वो सभी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो बेबी की ग्रोथ में हेल्पफुल रहते हैं। मैंगोज को आप फिंगर फूड्स की तरह सर्व कर सकते हैं या प्यूरी बनाकर बेबी को दे सकते हैं। मैंगोज की जनरली रिकमेंडेड एज रहती है 8 to 10 months के बीच में। इसी एज ग्रुप में एक वेट गेन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है पीज। पीज आप बच्चे को 6 months से स्टार्ट कर सकते हैं और एक बहुत ही न्यूट्रिशियस डाइट बनाता है। अब हम बात करते हैं 10 to 12 months के एज ग्रुप की, जिसमें फर्स्ट फूड है एग्स।
एग्स प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। एग्स का आप येलो पार्ट बेबी को 10 मंथ से देना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट पार्ट आप जब बेबी 1 ईयर का हो जाए उसके बाद ही स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट फूड इज पीनट बटर, जो पैक्ड है प्रोटीन्स और फैट्स के साथ और बच्चे के वेट गेन में बहुत हेल्प करेगा। पीनट बटर को आप मदर मिल्क या फॉर्मुला मिल्क में भी ब्लेंड करके इजीली सर्व कर सकते हैं। इसी एज ग्रुप में आप फिश इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेबीज को, जो प्रोटीन्स, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है और बेबी के वेट गेन में हेल्प करता है। फिश साथ ही साथ बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। अब अगर 1 to 2 ईयर्स एज ग्रुप की बात करें तो सबसे पहला फूड है होल क्रीम डेयरी मिल्क, जो बच्चे के वेट गेन में बहुत हेल्प करता है। मिल्क एक नेचुरल सोर्स है कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स का। आप बच्चे को आराम से दिन में 2 ग्लास दूध के दे सकते हैं। नेक्स्ट फूड है पनीर। पनीर एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम, प्रोटीन और बाकी विटामिन्स का। पनीर को आप बच्चे को फिंगर फूड्स की तरह, एक स्नैक की तरह ऑफर कर सकते हैं या वेजिटेबल में भी सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नट्स, जैसे कि आलमंड्स, कैश्यूज, वॉलनट्स, रेजिन्स एटसेट्रा। नट्स एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट्स का। नट्स को आप पाउडर की फॉर्म में बनाकर रख सकते हैं और मिल्क शेक्स, बच्चे की खिचड़ी, पॉरेज, सीरियल्स, ब्रेड, सैलेड्स में या खीर में ऐड करके आराम से दे सकते हैं। तो ये थे कुछ बेस्ट फूड्स जो डेफिनेटली बच्चे के वेट गेन में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।